दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि केले का फल टेढ़ा क्यों होता है? तो केले के पेड़ में जब केले का फल उग रहा होता है, यानी वो जब प्रोड्यूस हो रहा होता है, अपने शुरुआती स्टेज में होता है, तो उस वक्त वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, तो ये एक फूल की तरह लग रहा है, ठीक। और ये जो फूल होता है, धीरे धीरे इस फूल के चारों ओर कई सारे छोटे 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 केले बनने शुरू हो जाते हैं, और ये कई सारे होते हैं। तो इस केले के फूल के चारों ओर जो छोटे छोटे केले होते हैं, वो जब बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ग्रेविटी जो होती है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो उसे उस फल को नीचे की ओर खींचने लग जाता है। अब लेकिन होता क्या है कि केले को धूप की भी जरूरत होती है, यानी कि सनलाइट की, सूर्य के प्रकाश की। तो उस रोशनी को लेने के लिए वो ऊपर की ओर उठने लगता है। अब देखिए हो क्या रहा है, ग्रेविटी केले के फल को नीचे की ओर धकेल रही है, और सूरज की रोशनी को लेने के लिए वो केले का फल ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक खींचतान चल रही है ग्रेविटी और सूरज की रोशनी में। तो इस खींचतान में, या यूं कहें इस लड़ाई में, केले का फल जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है। विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं, जिसमें कोई फल सूरज की रोशनी के लिए ग्रेविटी से लड़ते हुए ऊपर की ओर मुड़ जाता है, और यही कारण है कि केले का फल टेढ़ा होता है।